भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बहुत बिजी रहते हैं और ऐसे रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो बाल धोने से पहले लगाया जाए और अपने बालों को फिर वॉश कर लिया जाए। क्या आपके बाल बहुत समय से गिरे जा रहे हैं, बाल जड़ से निकल कर आ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? तो आज एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं जिसके लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस, आपके सर पे नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी और बड़ी बात, आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। तो ये आपके बालों को लंबा करने में मदद करेगा और इस रेमेडी में जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुए उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हेलो है। फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेमेडी बनाते हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए मैंने करी पत्ता लिया हुआ है, ये ताज़े वाले करी पत्ते हैं। अगर आपके पास ताज़े वाले डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप सूखे वाले करी पत्ते भी ले सकते हो, मार्केट में शॉप्स पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत गंदे होते हैं, इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। इनको यूज़ करने से पहले सबसे पहले इसको आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इसको अपनी रेमेडी में यूज़ करिएगा। तो इसको सबसे पहले वॉश कर लेंगे और वॉश करके इसका थोड़ा सा पानी निकाल करके कॉटन कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट ऑयल में या रेमेडी में डालोगे तो इससे आप रेमेडी बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको मैंने कॉटन कपड़े से पोंछ लिया है, थोड़े बहुत पानी रह गया है, पूरी तरीके से नहीं जा पाया है। तो बस इसी तरीके से इसका पत्ता अलग कर लेंगे हम आसानी से, और इसके डंठल को निकाल के अलग कर देंगे। तो बस इसी तरीके से पूरा करी पत्ता निकाल लेंगे हम और एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। करी पत्ता में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है, जो आपके स्कैल्प से बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो चलिए इसके लिए एक पैन लेते हैं और उसके लिए सेकेंड इंग्रेडिएंट्स में जो ऐड करेंगे हम कोकोनट ऑयल। तो इसका लगभग हम 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर इसको लेंगे हम। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे आपको जितने लोगों को लगाना हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम लोगों को लगाना हो तो कम ले सकते हैं। मैं सिर्फ सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए ले रही हूँ, तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया हुआ है इसको, इससे ज़्यादा नहीं लेना है इसको। तो बस इसमें जो मैंने करी पत्ता निकाल के अलग से रखा हुआ है उसको भी इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको गैस पे ले जाके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेना है 8 से 10 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आप इससे कम टाइम में पका सकते हैं। तो बस इसका अच्छे से सारा गुड़ इसमें आ जाए ऑयल में। तो चलिए इसको गैस पर रख के इसको पका लेते हैं। आपको भी अपना हेयर फॉल रोकना है और हेयर ग्रोथ जल्दी चाहिए, तो आप क्या करिए, डेली सुबह सुबह खाली पेट आप करी पत्ते को 3 से 4 करी पत्ते डेली खाइए सुबह सुबह। वो आपके बालों का गिरना बहुत ज़्यादा रोक देगा और हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी कर देगा, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन उसको खाली पेट खाइए, सुबह सुबह डेली खाइए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा करी पत्ता काम करता है। करी पत्ता के रेगुलर यूज़ से बालों का गिरना तो कम ही हो जाता है, बाल लंबे और घने होते हैं, और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाए जाते हैं और आपके बालों को स्वस्थ रखने और मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बस इसको गैस को बंद कर दिया था मैंने, ये ठंडा हो गया है। इसके बाद चलते हैं इसको छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। एक बॉल के पास छन्नी नहीं है तो आप कॉटन कपड़े की हेल्प से भी इसको छान के अलग कर सकते हैं। तो बस इसको छान लेंगे, ये ठंडा हो गया, इसको ठंडा करने के बाद ही छानिएगा। कोई भी रेमेडी आपको बालों पे बिना ठंडा किए अप्लाई नहीं करना है, गरम गरम कोई भी रेमेडी अप्लाई नहीं करना है बालों में, क्योंकि गरम रेमेडी अगर आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो इसको ठंडा करके ही बालों पे अप्लाई करेंगे। तो इसको छान के अलग कर लिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि करी पत्ता अपने आप में ही बहुत कुछ है। और इसमें जो कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ है, कोकोनट ऑयल को दुनिया का बेस्ट हेयर कंडीशनर माना गया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाले, आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक और शाइन आने वाला। नारियल के तेल बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। नारियल के तेल में फैटी एसिड गुड़ और एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुड़ होता है। ये बालों को ना केवल चमकदार और मुलायम बनाता है बल्कि बालों से जुड़ी कई समस्याओं में भी मदद करता है। तो बस ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, अब इसको मैं अपने फिंगर टिप की हेल्प से अपने बालों में लगाऊंगी। आप चाहें तो कॉटन बाल का हेल्प ले सकते हैं, आपको जैसे भी बेहतर लगे आप उस तरीके से अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको स्टोर करके 1 मंथ तक आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं तो यूज़ से पहले आप इसको धूप में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद बालों पर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन बालों में अप्लाई करने से पहले बालों को डिटेंगल अच्छे से कर लीजिए कंघे से, उसके बाद बालों में रेमेडी अप्लाई करिए। इससे क्या होगा कि हेयर वॉश के टाइम आपके बाल बहुत कम गिरेंगे। तो मैं फिंगर टिप की हेल्प से हल्का हल्का मसाज देते हुए पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी और सर को झुका के रेमेडी ज़रूर बालों में लगानी चाहिए। कोई भी ऑयल आप लगाते हो, रेगुलर बेसिस पे लगाते हो, तो सर को झुका के ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो बस इसको लगा के जूड़ा बना के मैं ओवर नाइट रखूँगी और इसको वीक में कम से कम 2 से 3 बार रखिए। उसके बाद किसी भी नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए, फिर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा मोटे, घने और लंबे हो जाएंगे और बालों में गिरना बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। तो अगर आप रेमेडी फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।